देखो इसका सीन क्या हुआ है, पैरेलल सेल्फ अटकने लग गया, तो मैंने कहा यार ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पहाड़ों के ऊपर मैं कैसे इसको स्टार्ट करूंगा, मतलब ज़रूरी ना हर तरफ ढलान हो, कहीं ऊंचाई भी हो सकती है कि धक्का नहीं लग पा रहा। फिर मैंने इसका मतलब कोशिश करी तो उसके बाद क्या हुआ, सेल्फ की जो आवाज़ है ना बहुत तेज़ हो गई। देखो ये ऐसे जैसे हमने बटन दबा के रखा हो ना, दो मिनट तक ऐसी आवाज़ आती है, उसके बाद जाके आवाज़ नॉर्मल होती है। और कई बार सेल्फ क्या है खच 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 कर रहा है, तो रिले तो अब सही काम कर रही है, लेकिन उस दिन जो सेल्फ खोला था ना वो बैंड बज गई सेल्फ की, पूरी बैंड बज चुकी है उस मोटर की, ये वाली, ये जो मोटर नज़र आ रही है आपको। अब मैं चल रहा हूँ फिलहाल वहीं पर और उन्हें कहूँगा जैसे मर्जी करके मुझे करके दो। इतना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है ना, जब किसी की भाई ऐसी बनी हुई राइड इन चीज़ों के कारण ख़राब हो जाए ना, और तुम्हारा पूरा ग्रुप जाए और तुम रह जाओ, तो बस क्या बीतती है उस टाइम, क्या फील होता है ना, वो मैं जानता हूँ भाई। देखो मैं आपको गाड़ी स्टार्ट में कभी सेल्फ मारना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार आवाज़ सुनाने के लिए दिखा रहा हूँ कि किसी के आर R5 में सेल्फ की इतनी तेज़ आवाज़ होती है। देखो चेक करो, ये देखो कितनी ही तेज़ आवाज़ कर रहा है यार। पहले मैंने सर्विस सेंटर में कॉल करी, मैंने कहा ये मोटर मैं चेंज ही करा लेता हूँ, अगर मतलब नॉर्मल प्राइस किया तो कम से कम राइड बेकार नहीं होगी। लेकिन वहाँ पे पता चला कि ये मोटर स्टॉक में नहीं है और आने में 2 महीने लग जाएंगे, और मोटर के जो प्राइस है वो लगभग 3,000-3,500 रुपये था। वहाँ मेरा मूड और ख़राब हो गया सुन के। भाई जिन्होंने सेल्फ को खोला था, मतलब उस दिन सूर्य की दुकान पर जिनने सेल्फ को खोला था भाई, वो नहीं है, वो कह रहे कि वो तो 4-5 दिन के लिए चला गया है। यार मतलब इकट्ठी ऐसे वाली लगी है ना कि क्या ही बताऊँ। मतलब रात को मैंने एक तरफ ये सोच लिया था कि भाई, मतलब एक होता ना बंदा इतना डिप्रेस हो जाता है, मैंने सोचा यार अब मैं करूँगा ही नहीं राइड, अब मेरे जाना ही नहीं है, अब मैं व्लॉग भी नहीं करूँगा। आप मानोगे पूरी रात नहीं सोया मैं, पूरी रात सिर्फ सोचता रहा, बैठा रहा, कभी कुछ कर रहा हूँ कभी कुछ कर रहा हूँ कि यार ये क्या हुआ। मतलब ये नहीं था कि एक राइड ही तो कैंसिल हुई है, बट एक राइड के पीछे ना बहुत कुछ था यार, बहुत सारी प्लानिंग्स थी, बहुत दिन से मेरी प्रिपरेशन थी, बहुत कुछ था। यहाँ तक कि कल मैं जब ये पेट्रोल डलवाने जा रहा था, बस मैंने कहा यार पेट्रोल डलवा के आऊँ, आके अपना सामान वगैरह इस पर लगाऊंगा और पेट्रोल डलवाने जा रहा हूँ, तो बस ये वाली चीज़ मेरे सामने आ गई कि ऐसे ऐसे बाइक के अंदर हो रहा है। मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया, मैं वापसी आ गया, यहाँ तक ही आया था मैं, बस यहीं से वापसी हो गया था। और घर जाके मैंने, मतलब आप मानोगे मुझे भी पता था कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट रात को मैंने 8:30 बजे अपने वहाँ पर रॉयल एनफील्ड के वहाँ फ़ोन करा कि हिमालयन का कुछ हो सकता है अभी अर्जेंट में, उन्होंने कहा नहीं जी अभी तो टाइम लगेगा। मतलब हर तरफ से इतना मेरा मूड ऑफ हो गया था ना कि यार क्या हुआ क्या ये एकदम से। फिर मेरे को घर पे कहने लग गए कि भाई जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, इस बात को समझ और कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राइड फिर हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर मैं पूरी रात लेकिन बहुत परेशान रहा। अब मैंने मॉर्निंग में एक चीज़ सोची कि यार या तो मैं बाइक चेंज कर लूँ अब, ठीक है, मतलब ये नहीं कि बाइक में कोई प्रॉब्लम है, बाइक मतलब बिल्कुल ठीक है। देखो बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो सेल्फ की मोटर उन्होंने छेड़ दी तो थोड़ा हो गया, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सुबह ना मेरे को, मतलब मेरे को घर पे भी ये चीज़ बोली कि चल इतना मन ख़राब है ना किसी तरीके तो ठीक होए या कुछ होए, तो कह रहे कि ऐसा कर, तू बात कर रहा था ना तेरे को थोड़ी हैवी बाइक लेनी है, मतलब सुपर बाइक की बात नहीं कर रहा, वैसे भी अगर स्ट्रीट वगैरह और ये नॉर्मल शॉर्ट राइड इन चीज़ों के लिए एक अच्छी बाइक लेनी है, तो कह रहे तू वो ले ले अभी। और पर मेरा मन नहीं था इसको सेल करने का, तो मैंने कहा मैं अब इतनी बाइक तो नहीं संभाल सकता, मैं केयर नहीं हो पाएगी। फिर वो कहते कोई नहीं तू अपना कोशिश कर ले, देख ले अगर इसको सेल कर सकता है तो सेल करके फिर ड्यूक 390 ले ले या कुछ ऐसा ले ले, मतलब जैसे हैवी मांगता है तो ड्यूक 390 ले ले। भाई फिर मैंने कहा यार अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे तो मतलब समझ से बाहर हो गई बात यार। आज मैंने पता है करोल बाग फ़ोन भी कर दिया, मैं कहा ड्यूक 390 कोई खड़ी है तो बताओ, बट फिर एक तरफ मन करता है कि इसको सेल ना करूँ। देखो अपडेट तो ज़िंदगी के अंदर आते ही रहते हैं, ये तो है नहीं मैं लाइफ टाइम रखूँगा। 155 cc है, फिर इसके ऊपर 300-400 जाऊँगा, फिर 800, 1000, 1600, 1300 ऐसे चलता रहेगा। लेकिन मन था कि हाँ अभी सेल ना करूँ, कोशिश है जब तक रख सकता हूँ तब तक रखूँ। और आज तो मैं बहुत मतलब डिसबैलेंस आ रहा हूँ, कभी मन कर रहा है कि हाँ मैं बाइक दूसरी ले लूँ, कभी मन कर रहा है नहीं इसको सेल ना करूँ, लेकिन इसको सेल करे बिना मैं नहीं ले सकता ये तो 100% श्योरिटी है। और ये भी सुनने में आया था R5 V3 का कोई अपडेट वर्जन आ रहा है, तो फिर मन करता है कि 390 ले लूँ, थोड़ा टाइम वो चलाऊँ, उसके बाद जब वो आएगा तो वापसी ले लूँगा। बट कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, अभी मैं पेट्रोल डलवा लूँ क्या करेंगे, यहीं पर ही चलाऊँगा अभी। बाकी अब एक चीज़ सोच लिया कि भाई अब ग्रुप में नहीं हो सकी राइड, तो कोई ना कोई कारण ही होगा जो नहीं हुई, बट अब मैं सोलो राइड करूँगा, अब बहुत जल्द मैं सोलो राइड जाऊँगा, लॉन्ग राइड मुझे नहीं पता कहाँ जाऊँगा, बट अब सोलो राइड जाऊँगा। हो सकता है कि मेरा ये ग्रुप के साथ नहीं लिखा था जाना, या हो सकता है जहाँ जा रहे थे वहाँ से बुलावा नहीं था, तो सोलो राइड जाएंगे और
कोई बात नहीं जैसा है। और सेल्फ की मोटर मैं सोच रहा हूँ चेंज ही करवा दूँ यार, क्या उनके चक्कर में लटका रहूँगा। 3,350 की सेल्फ की मोटर है और 800 या 1,000 रुपये की रिले होंगी, मतलब चार से पाँच हज़ार रुपये का बीच का खर्चा, बाकी लेबर वगैरह। और या फिर एक साइड को ये सोच रहा हूँ कि मैं बाइक ही चेंज कर लूँ। बड़े सारे लोग बुरा मान जाते हैं बाइक सेल की बात करो, तो देखो ऐसा नहीं होता यार, लाइफ में हर किसी को अपडेट तो होना ही होता है। मन नहीं है मेरा 1% भी कि मेरे को इस बाइक ने बहुत सपोर्ट करा है, बहुत साथ दिया है, और ऐसा कोई श्योर नहीं है कि मैं सेल करने जा रहा हूँ, लेकिन बाकी कुछ नहीं पता अभी, कुछ मुझे अपना कुछ समझ नहीं आ रहा आज फिलहाल। तो पेट्रोल डलवा लो यार, कहीं भी जाना होगा कुछ भी होगा ना, तो फ्यूल इंजेक्टर बाइक में इतना कम पेट्रोल होना नहीं चाहिए। मैंने इसलिए नहीं डलवाया था उस टाइम, मैं कहा चलो जाना है ना अभी, अब फुल कराता हूँ, रास्ते में माइलेज भी पता चलेगी, वहाँ तक पहुँचने में टैंक खाली होगा या रास्ते में खाली हो जाएगा तो पता चलेगा कितनी चली है। इसलिए मैंने इसमें परसों भी पेट्रोल नहीं डलवाया, और कल डलवाने आया तो देखो डलवा ही नहीं पाया। कुछ पता नहीं होता किस्मत में क्या होना था क्या नहीं होना था, या फिर आप यही मान लो कि मेरे सामने बाइक में प्रॉब्लम आ गई सेल्फ की, जो आज तक आई नहीं, ठीक है। अब वो क्यों आई, क्या होना था राइड के ऊपर जो मैं नहीं जा पाया, क्या है कुछ भी, मतलब अब तो माइंड को अपने सेट करने के लिए कुछ भी सोच लो, और तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं फिलहाल। और मूड बहुत ख़राब हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस ब्लॉग को कंप्लीट भी कैसे करूँ आप लोगों के लिए, कैसे करूँ। बस पेट्रोल डलवा लिया है और फुल नहीं कराई, थोड़ा सा डलवा लिया बस, फुल तो अब राइड पे निकलूंगा तभी करवाऊंगा। आज मैंने वीडियो की स्टार्टिंग पता बाइक से क्यों करी है, मेरा मन ही नहीं हो रहा यार, मेरा मन ही नहीं हो रहा आज। बस ये मन ठीक हो जाए यार, सही बता रहा हूँ, मेरे को इस तरीके से रहना अच्छा नहीं लगता, ऐसे कल्पा कल्पा, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता, खुद को ही नहीं अच्छा लगता, बट कंडीशन ही ऐसी आ गई है अभी, मैं फ़िलहाल अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा इस चीज़ को लेके। मुझे हल्का हल्का सा ना, मतलब एक इंडिकेट सा मिल रहा था कि भाई राइड में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। पता, मैं वो करवाने गया था, मैंने बोला था ना वीडियो के अंदर कि सैडल स्टे पे थोड़ा सा काम करवाना है, उसको थोड़ा सा अलग मतलब शेप में अलग पोजिशन में लगवाना है। वो लगवाने गया, भैया ने मना कर दिया, कह रहे हमारी मशीन ख़राब हो रही है अभी वेल्डिंग वाली, भाई वो काम नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद मेरे बीटी के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी, एक एयरफोन चल रहा है इसका और एक साइड का मतलब वायर हिलाने पे चल रहा है सेकंड, ठीक है। थर्ड आ गई बाइक के अंदर प्रॉब्लम, मतलब एकदम से जिस दिन राइड पे निकलना है सारी प्रॉब्लम उस दिन मिल रही है भाई, अभी तक कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। आज मैं यार व्लॉग कुछ इस तरीके का एंटरटेन करने का कुछ नहीं बन पा रहा, तो मैंने यही सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूँ। वेट कर रहे होंगे कि राइड पे भाई निकल चुके होंगे ये वो, तो भाई अपनी राइड तो समझ लो कैंसिल, या ये समझ लो कि पोस्टपोन हो गई है, कैंसिल नहीं बोल सकता, हो सकता मैं सोलो ही निकल जाऊंगा तो कुछ नहीं पता, बट यही लगा लो फिलहाल तो पोस्टपोन हो गई है। और पेट्रोल डलवाना था कि कहीं जाना आना कुछ भी करना होगा तो थोड़ा बहुत पेट्रोल गाड़ी में होना ही चाहिए, FI है वैसे भी, इतना कम पेट्रोल में नहीं चलानी चाहिए जहाँ तक हो सके। सैडल बैग में मेरे अभी भी ना सारे के सारे कपड़े एज इट इज़ पैक पड़े हैं, एज इट इज़ मतलब सब कुछ सामान पैक पड़ा है, अपना रेनकोट और सब कुछ एक साइड पड़ा हुआ है, बस बाइक के ऊपर मुझे सेट करना था और नहीं हो पाया। बस आज भी मैं घर से ना ब्रेकफास्ट नहीं करा, मैं ऐसे ही निकल गया हूँ, मैं कहा यार नहीं पहले सबको मैं अपडेट देनी ज़रूरी है। खैर वीडियो का मुझे नहीं पता मैं शाम को अपलोड करूँ या क्या, मतलब आप लोगों तक तो बात शाम को ही पहुँच पाएगी अगर शाम को अपलोड करूँगा, लेकिन अंदर से मन हो रहा था कि नहीं पहले मैं भाई अपनी तरफ से बोल दूँ, चाहे वीडियो या मुझे पता है अभी मैं लाइव तो आपको नहीं बोल पा रहा था कि बोल दूँ कि हाँ मैं नहीं गया, ठीक है, और उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगा। मैं ऐसे ही निकला है अभी, मतलब घर से भी मम्मी कह रही थी कि यार कुछ खा कर तो जा, मैंने कहा नहीं बस अभी आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में, मैं अभी सही से बोल भी नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा घर पे, क्योंकि अंदर से ही मन बहुत ख़राब है। पर मीटर ज़ीरो कर दूँ यार, पेट्रोल डलवा के आज तो मीटर ज़ीरो करना भी ध्यान नहीं रहा।